हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कार एक्शन मूवीज लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। यानी इन मूवीज में आपको कार का एक्शन भर भर के देखने मिलेगा, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ उसका जो हाइस्ट एलिमेंट है या उसका जो थ्रिल एलिमेंट है, वो सारा इन 10 फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। अब ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है, आपने मेरी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो वीडियो है उस पे भर भर के प्यार दिया, और वो प्यार देख के मुझे क्लियर कट पता चल चुका है कि आप लोग फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों के दीवाने हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और अभी बढ़ते हैं हमारी एक्चुअल वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको जो 10 फिल्मों के बारे में बताऊंगा, वो फिल्म्स देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूस बम्स आएंगे, और साथ ही साथ वो थ्रिलिंग मोमेंट्स देखते वक्त आप कुर्सी से जरूर से नहीं उठोगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में 10th नंबर पे फिल्म आती है नीड फॉर स्पीड। ये जो फिल्म है ये गेम के ऊपर आधारित है, नीड फॉर स्पीड। और 2005 या 2006 के अराउंड इसका मोस्ट वांटेड और कार्बन नाम के जो दो गेम्स थे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, और पर्सनली मैंने इनको कई दफा खेला है। तो उस नॉस्टैल्जिक मोमेंट को आपको वापस से याद करना है तो इस फिल्म को जरूर से देखिए। एरन पॉल ने इसमें लीड रोल प्ले किया है, जिसको आपने ब्रेकिंग बैड में ऑलरेडी पसंद किया होगा अगर वो सीरीज देखी है तो। और उसी के साथ साथ इसके जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कार एक्शन सीक्वेंस है, उसमें किसी भी तरीके का VFX इस्तेमाल नहीं किया गया है, रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस डाले गए हैं, और इसी वजह से ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट कार एक्शन फिल्म बनती है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 9 नंबर की मूवी की तरफ। 9 नंबर पे मूवी है स्पीड रेसर। ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कार एक्शन मूवी रही है। इस मूवी को जब रिलीज किया गया था उस वक्त क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी जब आप देखोगे तो आपके इस मूवी की तरफ देखने के पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे। क्योंकि इस फिल्म को जिस तरीके से डायरेक्टर दिखाना चाहता था, क्रिटिक्स ने इस फिल्म को उस नजरिए से नहीं देखा, इस वजह से इसके रिव्यूज आपको थोड़े कम ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ये एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म है एक ऐसे स्पीड रेसर की जो अपनी कंपनी को भी बचाना चाहता है और साथ ही साथ एक रेसिंग चैंपियन भी बनना चाहता है। तो क्या वो रेसिंग चैंपियन बन पाता है, क्या वो अपनी कंपनी को बचा पाता है? और सबसे अहम बात, इस फिल्म में रेसर एक्स नाम का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर रहता है जो सारी मैच फिक्सेस करने के पीछे पड़ा होता है। क्या उसको यह हमारा स्पीड रेसर हरा पाता है, क्या बीट कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग फिल्म है, जरूर से इसे चेकआउट कीजिए। इसके बाद 8वें नंबर पे मूवी आती है द ट्रांसपोर्टर। अब भाई साहब, अगर आप जेसन स्टेथम के फैन हो और अगर आपने जेसन स्टेथम की द ट्रांसपोर्टर नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। इसके टोटल 1, 2, 3 तीन पार्ट्स आए थे, तीनों भी आप बैक टू बैक देखिए। अगर आप अभी तक अगर जेसन स्टेथम के फैन नहीं हो तो ये तीनों फिल्में बैक टू बैक देखने से आप जरूर से उसके फैन बन जाओगे। क्योंकि इस फिल्म में जेसन स्टेथम का जिस तरीके से स्वैग दिखाया है, जिस तरीके से वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, जिस तरीके की एक्शन, और इसमें भी कार सीक्वेंस जो है बहुत ही रियलिस्टिक है, कहीं पे भी VFX का इस्तेमाल नहीं है। और पर्सनली ये तीनों पार्ट्स मेरे फेवरेट है। इसका एक रिबूट भी बना था लेकिन वो इतना खास नहीं है, तो आप ये पुरानी तीन जो ट्रांसपोर्टर मूवी है इसको जरूर से देखिए। इसके बाद 7वें नंबर पे मूवी आती है बेबी ड्राइवर। नाम सुन के इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कतई मत करना, क्योंकि ये फिल्म टू क्लोज है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की। क्योंकि इस फिल्म में की कहानी क्या है, इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो है बेबी ड्राइवर, और उसको एक बंदा हायर करना चाहता है डकैती के लिए, और ये पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब इसकी गर्लफ्रेंड की जान की बात आ जाती है कि अगर ये डकैती के लिए तैयार नहीं होगा तो इसकी गर्लफ्रेंड की जान ली जाएगी, ये जब उसको धमकी आती है तो वो तैयार होता है। और उसके बाद इस कहानी में एक आर्म डीलर है, और उसका जब ट्विस्ट आपके सामने आएगा उसके बाद कहानी जिस तरीके से मोड़ लेने लगती है और जिस तरीके के थ्रिलिंग मोमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, आपको पक्का फास्ट एंड फ्यूरियस की याद जरूर से ये फिल्म देगी। इसी के बाद 6 नंबर पे फिल्म आती है, एक एनिमेटेड फिल्म है जिसका नाम है कार्स। अभी हालांकि इस फिल्म के भी 2 सीक्वल आगे बने, लेकिन पर्सनली मुझे वो 2 सीक्वल्स इतने ज्यादा पसंद नहीं आए जितने ये ओरिजिनल कार्स फिल्म पसंद आई थी। इसमें कार्स जो होती है उनकी कहानी दिखाई गई है, और वो भी रेसिंग करने वाली ही कार्स है। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाली जो कार है उसको बहुत ज्यादा घमंड होता है, और एक दिन वो एक गाँव चली जाती है, और उसके बाद उसके लाइफ में कुछ बदलाव होते हैं, और उसके बाद जब वो रेसिंग करने के लिए रेस कोर्स पे उतरती है
और उसके बाद कुछ घटनाएं होती है। स्पेसिफिकली इस फिल्म का जो एंडिंग वाला सीन था ना भाई साहब, आंखों में आंसू आ गए थे। इस फिल्म में आपको कार एक्शंस के साथ साथ एक इमोशनल स्टोरी देखने को मिलेगी, जो देखने के बाद आप बोलोगे यार मैक भाई देख के ये फिल्म मजा आ गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो फिल्म है इसका नाम है द इटालियन जॉब। इटालियन जॉब आप देखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको कई बार फास्ट एंड फ्यूरियस की झलक इस फिल्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में एक डकैती हो रही है, डकैती होती है, डकैती होने के बाद उसमें एक बंदा जो है वो गद्दार निकलता है। अब वो कौन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे ही वो गद्दारी करता है उसके बाद जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म में आते हैं भाई, देख के मजा आ जाता है। और ये फिल्म है डकैती के ऊपर, लेकिन इस फिल्म में स्पेसिफिकली तीन कार्स का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, तो इसी वजह से इस लिस्ट में मैंने इस फिल्म को इंक्लूड किया है। तो जरूर से इस फिल्म को आप चेकआउट करना, और आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके बाद फोर्थ नंबर पर फिल्म आती है स्पीड। ये 1994 की फिल्म है, इसमें लीड रोल प्ले किया है कीनू रीव्स ने। अब ये फिल्म जो है ना ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की फिल्म है, इसको आप एग्जैक्टली कार एक्शन नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हो बस एक्शन। अब बस एक्शन क्यों बता रहा हूं, सुनिए। कीनू रीव्स को आप जॉन विक सीरीज की वजह से जानते हो, लेकिन स्पीड फिल्म की वजह से वो सही मायने में उस वक्त 1994 में बहुत बड़ा स्टार बना था। इस फिल्म की कहानी क्या है कि एक बस है और एक बस 50 के स्पीड के ऊपर चल रही है, और ऐसे में पता चलता है हमारे मेन हीरो कीनू रीव्स को कि भाई साहब इस बस में एक ऐसा बॉम्ब लगाया गया है कि अगर ये बस 50 के स्पीड के नीचे हो गई तो वो बॉम्ब फट जाएगा। यानी अभी हमारे हीरो के सामने टास्क क्या है कि भाई साहब ये बस जो है वो 50 स्पीड के नीचे आनी भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ इस बस में बचे हुए जो भी लोग हैं और खुद, उन सबकी जान बचानी है। तो क्या वो ये सारी चीजों को वो पॉसिबल कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और सही मायने में जब आप ये फिल्म देखते बैठोगे ना तो आपकी सांस रुकी की रुकी रहेगी। हर एक मोमेंट, हर एक सीन इस फिल्म का इतना एंगेजिंग है कि देखते वक्त आप बोलोगे वाह मजा आ गया। इसी के बाद थर्ड नंबर पे फिल्म आती है रश। अब इस फिल्म में दो फॉर्मूला वन रेसर्स की कहानी है, उनकी एक्चुअली राइवलरी दिखाई गई है, और इसमें जो मेन लीड रोल प्ले कर रहा है उस एक्टर का नाम है क्रिस हेम्सवर्थ। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मार्वल मूवीज में आपने थॉर का रोल प्ले करते हुए जिस एक्टर को देखा है उसी का नाम है क्रिस हेम्सवर्थ। और ये उसकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, 2013 में आई थी, और इसमें भी जो रेसिंग की राइवलरी इन दोनों लीड कैरेक्टर्स की दिखाई है वो देखते वक्त सही में मजा आ जाता है भाई। ये एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आप बोलोगे भाई साहब इतनी खतरनाक मतलब राइवलरी हमने अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं देखी है। बाकी ये फिल्म देखने के बाद आपका ओपिनियन इस फिल्म के बारे में क्या हो जाता है जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। अभी इसके बाद जो टॉप टू मूवीज है, इन दोनों मूवीज को टॉप टू लिस्ट में रखने का रीजन है, ये दोनों भी मूवीज बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेटेड हुई थी, और ये पर्सनली दोनों भी फिल्में मेरी फेवरेट रह चुकी है। इसमें सेकंड नंबर पे फिल्म आती है फोर्ड वर्सेस फरारी। भाई साहब ये रियल कहानी है फोर्ड वर्सेस फरारी की, कि एक टाइम पे आपको पता है और आज के टाइम पे भी फरारी जो है वो फास्ट गाड़ियों के मामले में डोमिनेट करती है। ऐसे टाइम पे फोर्ड गाड़ियों को कोई ज्यादा नहीं पूछ रहा था और उनको मार्केट में एंटर करना था, तो इसके लिए ये हमारा जो कहानी का मेन हीरो है क्रिश्चियन बेल, उसको हायर किया जाता है, और वो जिस तरीके की रेस करता है, जिस तरीके से गाड़ी चलाता है, जितना दीवानापन इसके ऊपर सवार होता है भाई, देख के मजा आ जाता है। मतलब यही वो बंदा है जिसने बैटमैन प्ले किया था डार्क नाइट सीरीज में, बिलीव नहीं होता है। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करता है ये बंदा, और इतने रियलिस्टिक सीन्स इस फिल्म में कि देख के मजा आ जाएगा। और इसकी स्पेसिफिकली जो एडिटिंग है ना उसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, और साथ ही साथ इसकी रेसिंग के जो एक्शन सीन्स है वो भी देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद फर्स्ट नंबर पे जो मूवी आती है भाई साहब, ये उस साल सबसे ज्यादा ऑस्कर जीती थी, यानी 6 ऑस्कर इस फिल्म ने जीते थे, बट इस फिल्म का बैड लक है कि बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इसको अवार्ड नहीं मिला। और इस फिल्म का नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। भाई साहब इस फिल्म में जो रेगिस्तान के सीन है और जो अजीबोगरीब गाड़ियां, उनके चेसिंग सीन्स, उनकी एक्शन, वो देख के आप ना पगला जाओगे। इसमें लीड रोल प्ले किया है टॉम हार्डी ने, जिसको आप वेनम के तौर पे आजकल की फिल्मों में देख रहे हो भाई। ये उस टाइम पे इस फिल्म की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और मुझे पर्सनली आप अगर पूछे कि टॉम हार्डी की बेस्ट फिल्म कौन सी है तो ये है। इसमें टॉम हार्डी जो है वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे दलदल में फंस जाता है, उससे वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पाता है। और सच बताऊं इसमें सिर्फ टॉम हार्डी नहीं, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं,
जितने भी सीक्वेंसेस आते हैं देख के आपको सच में ऐसा लगेगा कि भाई साहब जैसे इस फिल्म का नाम है मैड मैक्स, वैसे पूरी मैडनेस इस फिल्म में भरी हुई है। और मतलब एक चीज आपको बता दूं ना कि अगर फास्ट एंड फ्यूरियस एक स्टाइलिश फिल्म सीरीज है, उसको अगर रॉ तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए ना, तो उसका परफेक्ट एग्जांपल है ये फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड। तो गाइज यही रही आज की टॉप 10 कार एक्शन मूवीज लिस्ट। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।